हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, क्योंकि बहुत दोस्त ने बताया था कि सर आप बहुत बड़ा वीडियो बनाते हो, छोटा वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। दोस्तों चलिए, आज ये छोटा वीडियो के अंदर आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। देखिए, पिक्चर के अंदर फ्लिकिंग प्रॉब्लम देखा जाता है, मतलब बिजली का झलक जैसा, इसी तरह फ्लिकिंग प्रॉब्लम देखा जाता है। यही इसका फॉल्ट है, बट ये पीसीबी का अलग फॉल्ट था जो मैं रिपेयर किया। अभी इसी टाइम ये जो फॉल्ट मिला, ये आपको रिपेयर करके देखूंगा। तो दोस्तों, ये फ्लिकिंग टाइप प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से हो सकता है। 110 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर वीक होने से भी हो सकता है, डाइवर सप्लाई लाइन कैपेसिटर वीक होने का रीजन से भी हो सकता है। चलिए मैं अलग सा वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अलग सा वीडियो प्ले करने के बाद इसका जो कलर क्वालिटी, इसके ऊपर जो फ्लिकिंग प्रॉब्लम, ये मोबाइल कैमरा का अंदर अच्छा से नहीं देखा जाता है, बट फ्लिकिंग इसका अंदर है। पिक्चर का जो क्वालिटी अच्छा सा होना चाहिए वो क्लियर नहीं है, फ्लिकिंग इसका अंदर देखा जाता है। तो कोई बात नहीं, चलिए ये फ्लिकिंग प्रॉब्लम को रिपेयर करके देखूंगा कि ये पीसीबी का अंदर कौन पोजीशन से इसका प्रॉब्लम देखा जाता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये पीसीबी को सप्लाई ऑफ करना पड़ेगा। सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद ये पीसीबी को आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये मार्केट का लोकल किट है, कुछ भी पीसीबी हो सकता है। फर्स्ट ये जो डाइवर, सॉरी, ये लाइन फिल्टर कॉयल, जो एसी सप्लाई इनपुट होने के बाद ये कॉयल देखा जाता है, ये कॉयल फॉल्ट होने का रीजन से हो सकता है। और ये जो पावर फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है, ये मेन पावर फिल्टर कैपेसिटर प्रॉब्लम होने का बाद भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है। बहुत कुछ रीजन आपको ये वीडियो के अंदर बताएगा। तो चलिए, आज आपको दिखाऊंगा ये कैपेसिटर चेंज करके, ये कैपेसिटर ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये कैपेसिटर को ओपन किया, ओपन करने के बाद देखिए इसका अंदर, देखिए कैपेसिटर से ऑयल इसका बाहर निकल गया, इसीलिए इसका अंदर सल्फर टाइप ये देखा जाता है। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर को भी अच्छा करके देखने के बाद आपको पता कर सकते हो कि इसका अंदर जो ऑयल है ये निकल गया, मतलब ये कैपेसिटर वीक हो गया, इसीलिए इसका अच्छा तरह से फिल्टर नहीं कर पाया। तो इसका रीजन, ये रीजन से भी पावर का जो ट्रांजिस्टर होता है वो भी फॉल्ट हो जाता है एक दिन दो दिन का बाद बाद, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, कैपेसिटर को मैं चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब देखिए, इसका जो पिक्चर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा सा आ गया, इसका जो फ्लिकिंग प्रॉब्लम ये चला गया। आपको अच्छा करके दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा मोबाइल कैमरा से सब कुछ क्लियर नहीं दिखा जाता है। बट दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि इसका फ्लिकिंग प्रॉब्लम चला गया। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब ना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।